हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको एक लेसन पढ़ाने जा रहे हैं आपके क्लास के गणित का। ठीक है बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तो आपके पास क्या होता है? बिल्कुल सही, आपके पास होता है स्कूल बैग। और स्कूल बैग में आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स है ना, और पेंसिल होती है और उसके अंदर आपकी बहुत सारा सामान होता है। वैसे ये शॉर्पनर है, ये रेजर है, पेंसिल है और स्केल भी होता है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या शेप होती है, और इन शेप को सिखाने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका लाई हूँ आपके लिए। उसके लिए हम सुनेंगे कहानी। कहानी सुनेंगे हम एक बच्चे की, गोलू की। गोलू एक बहुत नटखट शरारती लड़का है। वो कभी इधर कभी उधर घूमता फिरता रहता है और घर में सबको परेशान करता है। उसकी इस आदत से उसकी मम्मी बहुत परेशान है। उसकी मम्मी ने कहा, गोलू तुम हर वक्त मुझे घर में परेशान करते रहते हो, चले जाओ यहाँ से। अब गोलू हो गया बहुत उदास और गोलू वहाँ से चला गया। कहाँ गोलू चला गया? वहाँ से एक जंगल में, और जंगल में जाके गोलू सो गया। जब गोलू की आंख खुली तो गोलू ने वहां पर देखा कि वहां पर खड़ी है परी। परी माँ ने कहा, अरे गोलू तुम तो बड़े प्यारे हो, पता है तुम बहुत अच्छे हो। नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज रहती है। नहीं नहीं गोलू, तुम गोल गोल हो और तुम्हें कहते हैं व्रत। और गोलू मैं तुम्हारी, ये जो तुम्हारी शेप है इसको बदल सकती हूँ। अच्छा आप मेरी शेप को बदल सकती हो, ठीक है मेरी शेप बदल दो। अब उसने, परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और गोलू बन गया ये। अब गोलू ये क्या बन गया? गोलू बन गया ये व्रत, जिसकी चारों आज सामने इसकी जिसकी जो चारों भुजाएं हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे कि आप जब लूडो खेलते हो तो उसमें जो दाना होता है वो भी इसी शेप का होता है ना। इसकी जो है चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं। जब आप कैरम खेलते हो है ना, उसकी भी भुजाएं। अब गोलू बड़ा खुश था क्योंकि अब उसको नया आकार मिल गया था। अरे वाह, मैं तो वृक्ष बन गया, अब मैं गोल गोल नहीं रहा। परिमा क्या आप मुझे बदल सकती हो? हाँ मैं तुम्हें बदल सकती हूँ, मैं तुम्हें अब दूसरी शेप बना दूंगी। अब परिमा ने छड़ी घुमाई और गोलू को बना दिया ये। अब ये क्या बन गया गोलू? ये बन गया गोलू एक आयत। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक जैसी होती हैं। अब गोलू बड़ा खुश था क्योंकि परिमा ने उसको बदल दिया था, उसके तो मजे आ गए थे। तो बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होती हैं, जैसे कि आपका ये पेंसिल बॉक्स है, तो ये भी क्या है? ये है आपका आयत, जिसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब गोलू, अब परिमा ने कहा, तुम्हें एक और शेप बना दूं? हाँ 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 बना दो मुझे परिमा। अब परिमा ने छड़ी घुमाई और गोलू बन गया ये। अरे वाह गोलू तो त्रिभुज बन गया। अरे गोलू तुम अब त्रिभुज बन गए हो, तुम्हारी तीन भुजाएं हो गई हैं, एक दो और तीन। देखो तुम नुकीले हो गए हो तीनों तरफ से। अरे वाह मैं तो त्रिभुज बन गया, पर क्या परिमा मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ तुम तो सभी आकार में बहुत अच्छे लग रहे हो गोलू। अब गोलू बहुत खुश था क्योंकि उसको अलग अलग आकार में परिमा ने बदल दिया था। तो बच्चों, ये वाली जो शेप है ये कौन सी शेप है? ये है त्रिभुज, जिसकी तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन। ये क्या है? त्रिभुज। और ये कौन सी है? ये है आयत, है ना। इसकी आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हैं, ठीक है। अब हमने कितनी आकृतियां सीखी? हमने सीखी एक त्रिभुज, दूसरी आयत, और हमारी तीसरी भुजा कौन सी है? हमारी तीसरी शेप कौन सी है? हमारी तीसरी शेप है वृत्त। और इसकी कितनी है? ये चारों तरफ से एक जैसा है ना। इसको कहते हैं हम वर्ग, जैसे कि हमारा कैरम होता है और हमारा गोट का दाना होता है, और अलायंस में आ जाता है हमारा वो ही व्रत। व्रत मतलब गोल गोल, जैसे आसमान में चंदा गोल है ना, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। अब हम पढ़ते हैं एक पोयम। We find shapes everywhere.
बोलो बच्चों, वी फाइंड शेप्स एवरीवेयर, सर्कल कोर रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल लाइक अ मामा बैंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज ट्रायंगल। तो बच्चों अब हमने सीख ली हैं ये चारों आकृतियाँ और उम्मीद है मुझे कि आप घर पर इन्हीं की जैसी आकृतियाँ देखेंगे और बताएंगे। आप अपने घर में चारों तरफ रखी हुई चीज़ों को देखो और उनके बारे में सोचो कि ये कौन सी आकृति है। बाय बच्चों।